भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम ने की है जबरदस्त वापसी। जी हाँ, पहले इनिंग में 325 रन पे ऑल आउट होने के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जबरदस्त तरीके से वापसी कराई है टीम इंडिया की और न्यूजीलैंड को महज 62 रन पे, जी हाँ महज 62 रन पे न्यूजीलैंड को कर दिया है ऑल आउट, जिसपे न्यूजीलैंड के 8 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। टॉम लेथम ने 10 रन बनाए, काइली जेमिसन 17 रन बनाकर खेल रहे थे और उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं किया। 3 बल्लेबाज तो जीरो पे आउट हुए, आजाज पटेल, विलियम समरविल और टिम साउदी तो खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं रॉस टेलर जो सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं इस टूर में न्यूजीलैंड की तरफ से, वो सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए। जी आपको बता दें, इससे पहले इस सेशन की शुरुआत हुई थी अजाज पटेल के 10 विकेट के साथ। अजाज पटेल ने टीम इंडिया के 10 के 10 खिलाड़ियों को आउट करके एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। आपको बता दें मयंक अग्रवाल ने 150 रन बनाए थे, सुमन गिल ने 44 रनों की पारी खेली थी, चेतेश्वर पुजारा 0 रन पे आउट हुए, विराट कोहली 0 रन पे आउट हुए, श्रेयस अय्यर 18 रन ही बना पाए, रिद्धिमान शाह 27 रन, रविचंद्रन अश्विन भी शून्य के स्कोर पर आउट हो गए थे। अक्षर पटेल ने थोड़ी देर टिक्कर बल्लेबाजी की, उन्होंने 128 गेंदों का सामना किया और 52 रन जोड़े। उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना पहला अर्धशतक भी लगाया। जयंत यादव 12 रन बनाकर और उमेश यादव शून्य के स्कोर पर नॉट आउट रहे, मोहम्मद सिराज 4 के स्कोर पर आउट हुए और 10 की 10 विकेट अजाज पटेल के हाथ में गई। उसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई तो मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड को लगातार 3 झटके दिए, शुरुआती झटके दिए टॉम लेथम, विलियंग और रॉस टेलर। उसके बाद डेली मिचल को अक्षर पटेल ने एलबीडब्ल्यू किया, फिर हेनरी निकल्स को रविचंद्रन अश्विन ने बोल्ड किया, टॉम ब्लेंडन को चेतेश्वर पुजारा के हाथों रविचंद्रन अश्विन ने कैच आउट कराया, रचिन रविंद्र को विराट कोहली के हाथों जयंत यादव ने कैच आउट कराया, काइली जेमिसन को श्रेयस अय्यर के हाथों अक्षर पटेल ने कैच आउट कराया, टिम साउदी को सूर्य कुमार के हाथों रविचंद्रन अश्विन ने कैच आउट कराया, विलियम समरविल मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट हुए रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी पे। उमेश यादव ने 5 ओवर किए, 2 मेडल फेंके, 7 रन, कोई विकेट उन्हें नहीं मिला। मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 सफलताएं ली। अक्षर पटेल ने 9.1 ओवर में 14 रन खर्च कर 2 विकेट हासिल किए। रविचंद्रन अश्विन ने जबरदस्त गेंदबाजी की, 8 ओवर में महज 8 रन दिए और 4 बड़े विकेट ले गए वो। जयंत यादव 2 ओवर 13 रन, एक खिलाड़ी उन्होंने भी आउट किया। इस तरीके से कुल मिलाकर 28.1 ओवर में 62 के स्कोर पर सिमट गई है न्यूजीलैंड की टीम। अब देखना दिलचस्प होगा क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड को फॉलोअन के लिए बुलाएगी, क्योंकि अभी भी एक पूरा का पूरा सेशन आपके पास है और आप उस पूरे सेशन में न्यूजीलैंड को एक बार फिर से ऑल आउट करके 2 दिन में ही टेस्ट मैच खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अविश्वसनीय और जबरदस्त प्रशंसनीय प्रदर्शन किया है भारतीय गेंदबाजों ने, जिस तरीके से इस विकेट पर गेंदबाजी किया और विशेषकर मोहम्मद सिराज ने। मोहम्मद सिराज इस बार इकलौते तेज गेंदबाज हैं जिन्हें इस टेस्ट मैच में विकेट मिला है, बाकी सारे के सारे 17 विकेट स्पिनर्स के हाथ में गए हैं। 10 विकेट अकेले अजाज पटेल ने लिए हैं, उसके बाद 3 विकेट मोहम्मद सिराज ने, 2 विकेट अक्षर पटेल ने, 4 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने और 1 विकेट जयंत यादव के हाथ में गया है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।